नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रवीण धाकड़। आज दिन हो चुका है 26 अगस्त 2023 का। यह प्याज के भाव के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन किसान भाइयों प्याज के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट वीडियो यहां पर मैं जानकारी थोड़ा बहुत देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कि प्याज का कर्ण अभी तैयार हो रहा है। अभी शाजापुर मंडी बंद है, सोमवार के दिन शाजापुर मंडी खुलेगी, वहाँ पर हम प्याज के भाव देखेंगे। लेकिन प्याज किसानों के लिए बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी, बारिश के समय बहुत सारे किसान हैं जो कि प्याज का तैयार करते हैं कर्ण, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। लेकिन प्याज का कण है जो कि फेल हो जाता है लगातार बारिश की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से, प्याज का कण है जो फेल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रहा हूं उससे आपका प्याज का कण है जो बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला, लगभग 90% आपका जो प्याज का रोप है जो बिल्कुल सक्सेस होने वाला है। यहाँ पर कुछ हमारे ही किसान भाई है जिनका यूट्यूब चैनल भी है धाकड़ नर्सरी करके, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह की जानकारी वीडियो। किसान भाइयों देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या है, जो कि यहाँ पर इन्होंने रेन पाइप लगाया हुआ है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरे इधर दो बेड बनाई है इन्होंने, क्या है ये बेड बनाई है। ज़्यादातर किसान क्या है सरी बनाते हैं, इसमें नई चीज़ देखने को यह है कि बेड इन्होंने बनाई है, जो कि बेड मेकर अपने पास में है, वहाँ पर इन्होंने इससे बेड बनाई है जो कि इधर की साइड और इधर की साइड दोनों के ऊपर की साइड में बढ़िया फर्स्ट क्लास ढाल बना हुआ और इधर की साइड में बीच में से पानी निकल जाता है। जब भी लगातार तेज़ बारिश होती है तो ज़्यादातर किसानों का जो प्याज का कण वो फेल होने का कारण क्या होता है कि प्याज उसमें सरी में जो सरी क्यारी से के हिसाब से करते हैं उसमें पानी भर जाता है और प्याज का कण जो ख़राब हो जाता है, रोप है जो बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, तो इससे रोप तैयार नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर लगातार बारिश भी होगी तो बारिश क्या है इधर के और इधर का पानी जो आके बीच में से ढाल में से निकल कर खेत से बाहर पहुँच जाएगा, तो इससे प्याज का कण जो बिल्कुल भी ख़राब होने के चांस है जो बहुत कम हो जाएंगे। और इन्होंने अगर बारिश नहीं हुई तो उसके लिए सिंचाई के लिए इन्होंने लगाए हैं रेन पाइप। ज़्यादातर किसान क्या है सरी बना के उसमें क्या है फिर सरी से पानी निकालते हैं, इस कारण से उनको सरी बनानी पड़ती है। लेकिन इन्होंने क्या है यहाँ पर रेन पाइप लगाया हुआ है ताकि ये रेन पाइप से भी पानी पिला सके। रेन पाइप का बहुत अच्छा जुगाड़ है किसान भाइयों, अगर आप प्याज का रोप तैयार करते हैं तो 90% आप ये लगवाइए, बहुत अच्छा आपका जो है रोप बहुत अच्छा तैयार होने की आपकी संभावनाएं बन जाएगी। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं इनका बहुत अच्छा रोप तैयार हुआ है और यह रोप है सिर्फ और सिर्फ सेल बेचने के लिए। इन्होंने यहाँ पर जो रोप तैयार किया है सिर्फ बेचने के लिए तैयार किया है, अभी छोटी सी जगह में इन्होंने तैयार किया हुआ है। अगर किसी को रोप भी अगर चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें वहाँ पर हमारा नंबर भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना और आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, तो आपको प्याज का रोप भी वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये सिर्फ बेचने के लिए है अभी। और यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ वो भी मतलब खेत की तैयारी कर रहे हैं, अगर सोयाबीन निकलने के बाद में किसी को और भी ज़्यादा रोप चाहिए तो वह 5-6 बीघे का लगाया हुआ वहाँ पर अभी अपन रोप ले सकते हैं। यहाँ पर इनकी नर्सरी वगैरह भी है जो कि यहाँ पर आप पौधे वगैरह भी मिलते हैं, आपके टमाटर के पौधे, मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे, सभी प्रकार के नर्सरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।